स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अपसेक में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि मतलब हद होती है किसी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के, जब तक पेपर आउट ना हो तब तक ये बात ही शुभ ना मानी जाए। फ्रेंड्स जैसा कि आपको कुछ लोगों को पता भी चल चुका होगा और कुछ लोगों को, ढेर सारे लोगों को जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम, मैं उनको अभी बताना चाहूँगा। इसमें पूरा मैं पेपर दिखाऊँगा कि 30 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ था पूरा पेपर आउट हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए मतलब पूरा हद होती है। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सारा चीज़ मिलाइएगा, क्वेश्चन बताइएगा कि क्या वो क्वेश्चन थे कि नहीं थे फर्स्ट शिफ्ट वाले। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे ये एग्ज़ाम हाल का ये क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए पूरा पेपर, आप पेपर मिलाइएगा, केवल क्वेश्चन मिलाइएगा कि क्या है वो क्वेश्चन थे कि नहीं। फ्रेंड्स यही वजह है कि पेपर इतना वो होने के बावजूद भी टफ इतना, और अब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन जो कट ऑफ जाने की सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चांसेस होती है सिर्फ इन्हीं वजहों की होती है। पहले आप यहाँ से देख लें, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने रिव्यू भी किया था, तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी बताए थे, पहले ही दिन बताए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर आउट हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आप मिला सकते हो, सदर मोस्ट रेलवे पीयूष मंत्र, ये क्वेश्चन नंबर 29-30, ये आप पूरा क्वेश्चन मिला सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स यही कुछ वजहें होती है जिनकी वजह से हमारा पूरा कट ऑफ एकदम ज़्यादा जाती है और मेहनत करने वाले भाई बहनों का सलेक्शन नहीं हो पाता, तो कोई और रीज़न नहीं होता। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि कम से कम एटलीस्ट जिन लोगों भुक्तभोगी हैं या जिनका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो वो कैंसिल हो या दोबारा करवा जाए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने टाइप करके अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ से मैं सारा पेपर दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर और व्यू आया होता तो इनका रोल नंबर यहाँ पर शो हो जाता। फिलहाल तो अगर आप रोल नंबर को देखना चाहोगे तो यहाँ से इनके रोल नंबर को भी देख पाओगे आप। 11 तो स्टार्टिंग में ही दे रखा होगा, उसके बाद 2 या 3 दे रखा है। यहाँ से कुल मिला के अगर पता करना होगा तो आयोग पता कर लेगा, लेकिन आयोग की बहुत ढीला ढाली रवैया होती है। कई बार आयोग खुद संलिप्त हो जाए या आयोग के कर्मचारी खुद संलिप्त होते हैं इसमें, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाता। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स अपने भी ये देखिए पूरा मतलब एग्ज़ाम हॉल में पेपर स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे देखें व्यूज। मैं एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप देखने का प्रयास करें। ये देखिए सीट में आगे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, और ये भाई साहब इतना सब कुछ चेक इन होने के बावजूद भी कैसे पेपर देने के लिए मोबाइल तक लेके निकल गए हैं भैया, ये सब क्या हो रहा है। कुल मिला के सब काफ़ी दिक्कत वाली बात है फ्रेंड्स, एक छोटी सी क्या बड़ी बुरी खबर है आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए सभी चीज़ अपडेट्स लगातार हर अपडेट और इम्पॉर्टेंट अपडेट सटीक अपडेट आपको पहुँचाता जा रहा हूँ, वैसे ही सेम चीज़ इस चीज़ के लिए भी करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मैं मेरे से जो भी हो पाएगा मैं इस चीज़ के लिए करूँगा। इनफैक्ट धरना से लेके हर कुछ मैं आयोग के लिए देने के तैयार हूँ। आप सभी का प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना व्यू बताइएगा, और जो भी मेरे से होगा एज लीडर मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।